तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास हीरो कंपनी का पैशन प्रो बाइक है और इस बाइक में बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम हर किसी बाइक में आ जाता है, चाहे वो हीरो कंपनी का स्प्लेंडर है, पैशन प्रो है, TVS है, स्प्लेंडर प्रो है, जो भी बाइक है सभी बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं किक के पास से आयल आ रहा है, यहाँ पे ये पूरा भींगा हुआ है आयल से, यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा डस्ट जम गया है, यहाँ पे देखिए ऐसे डस्ट जम गया है आयल बाहर आने का। लगभग बहुत दिनों से यहाँ पे आयल बाहर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस बाइक का जो कस्टमर है इस पर ध्यान नहीं देता है ना ही, देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा आयल आ गया, देखने में भी ख़राब लग रहा है। यहाँ पे देखिए चेचिस सब में टोटल डस्ट जम गया यहाँ पे आयल आने के कारण। इस प्रॉब्लम के लिए आप लोग सोच रहे होंगे ये क्लच कवर को ओपन करना पड़ेगा, फिर इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। इस प्रॉब्लम को आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 रुपया में सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए ना ही आपको बाइक से इंजन ऑयल बाहर निकालना पड़ेगा, ना ही आपको क्लच कवर ओपन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो ये है इस बाइक का किक को खोल करके बाहर निकालना पड़ेगा, किक स्टार्टर जो है इसको खोल करके बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास 10 mm का ये डाल रिंच है, इससे भी काम हो जाएगा, या फिर नहीं तो आप 10 का टी रिंच ले सकते हैं, इससे भी काम हो जाएगा। तो पहले इस वॉल्ट को खोल करके बाहर निकाल लेते हैं, हम इस वॉल्ट को खोल करके बाहर निकाल लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स ये किक का वॉल्ट जो था इसके अंदर लगाओ खोल करके बाहर आ गया, अब हम इस किक को बाहर निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर नीचे पुश कीजिए, देखिए ऑटोमेटिक ये बाहर निकल गया। अब जो इसके अंदर से देख रहे हैं यहाँ पे आयल आ रहा है, कितना भींगा हुआ है और आयल भी यहाँ से टपक रहा है, इंजन आयल देख रहे हैं कैसे बाहर निकल रहा है। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेना, पेचकस लेना है और इसको इस तरह से नज़दीक से दिख लो, इस तरह से आपको थोड़ा पुश करना है, देखिए ऐसे ऑटोमेटिक ये आयल सील बाहर निकल रहा है, देखिए एल सील बाहर निकल गया। अब इसको अच्छा से क्लीन कर लेना है यहाँ पे, अच्छा से क्लीन कर लेना है। और ये देखिए ये नया एल सील है, किक सील है, ये आपको तकरीबन यही 15 से 20 रुपया इसका प्राइस है, आपको कहीं किसी भी वर्कशॉप पे आपको मिल जाएगा किक ऑयल सील, ये अलग से भी आपको मार्केट में मिल जाएगा 15 से 20 रुपया में। इसके लिए आपको ऑयल सील किट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाइक का इंजन का फुल ऑयल सील किट आपको बिल्कुल नहीं लेना है। इसका जो फिट करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर रख देना इसको, थोड़ा आगे पीछे इस तरह से करना है इसको, फिर उसको इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा राउंड करके इसको आपको प्रॉपर फिट कर देना है, इसको थोड़ा हाथ से इस तरह से पुश करना है, ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको प्रॉपर सेटिंग करने के लिए पहले इसको हाथ से दबा करके इसको अंदर कर देना है। अगर आपके वर्कशॉप पे प्लग रिंच है तो आप प्लग रिंच से भी इसको थोड़ा पुश कर सकते हैं इस तरह से, देखिए प्रॉपर सेटिंग हो गया, नहीं तो आप पेचकस की मदद से आस्ते आस्ते इसको दबा सकते हैं, लेकिन आपको पेचकस का यूज नहीं करना है। इसका सिंपल सा ट्रिक है, इस प्लग रिंच से आप इसको प्रॉपर फिट कर सकते हैं, ये आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग हो गया। अगर आपके किक से आयल आ रहा है तो आप ये छोटा काम कर दीजिए, छोटा सा आयल सील चेंज कर दीजिए, आपके बाइक के किक से आयल आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब चलिए हम इस बाइक में किक को कर लेते हैं फटाफट से फिट। इसको फिट करने के लिए सबसे आसान तरीका देखिए, हम इस नट को टाइट कर लेते हैं। अगर ये बोल्ट प्रॉपर नहीं फिट हो रहा है, इसकी किक को थोड़ा इस तरह से आगे पीछे कीजिएगा, बोल्ट ऑटोमेटिक सेंटर इसका जो है मिल जाएगा और प्रॉपर टाइट हो जाएगा। अगर आप खुद से ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, अगर आप मैकेनिक के पास है तो फिर वो मैकेनिक खुद से इसको सेटिंग कर लेगा। देखिए प्रॉपर ये प्रॉपर किक टाइट हो गया, ऐसे आयल आना भी बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कि बाइक के रिलेटेड हम बहुत सारा वीडियो अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।